आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, हम वीरेन्द्र रमल टाइम्स टीवी द्वारा प्रस्तुत कयल जा रहल चुनावी परिचर्चा कार्यक्रममे अपने सबके स्वागत। एहि कार्यक्रममे हमसब चुनावके सन्दर्भसँ आ सब मुलुकके समसामयिक अवस्थाके विषयमे छलफल करै छी। हमसब आइ जे अतिथिके आमन्त्रित कयने छियनि ओ छथिन व्यवस्थापिका संसद सदस्य नेपाली काङ्ग्रेस दिससँ समानुपातिक सभासद मीनाक्षी झाजी। मीनाक्षी जी, स्वागत अपनेके कार्यक्रम। धन्यवाद। हम अन्य विषय सबपर अपनेसँ छलफल करब, एहिसँ पहिने एकटा सामान्य अपनेसँ एकटा जानकारी कि लेबऽ चाहब जे नेपालके राजनीतिमे कखनो कालके एना देखाइ दै छै जे देश एहि दिस जा रहल छै फेर कखनो तुरन्त करवट लऽ लै छै, ई अवस्था अबै छै किया? तऽ की कहब हम, जे राजनीतिक विकास तऽ सोचि रहल छै, अग्रगामी सोच छै, लेकिन व्यवस्थित नहि भऽ रहल छै। अग्रगामी सोच लऽ कऽ राजनीति आगू बढ़ै छै, लेकिन एहिठामके ततेक ब्रॉड माइंडेड नहि भेलाके कारण फेर पाछा लौट कऽ चलि अबै छै। की राजनीतिक कर्मी सबके एकटा दूरगामी सोचके अभाव छै? हाँ, या सोचके अभाव छै। किया तऽ दूरगामी सोच रखै छै, लेकिन ओ दूरगामी सोचके व्यवस्थित केना करतै ई सोच नहि अखन तक आबि सकलैया, ताहिके कारण पाछू हो पड़ै छै। खास कऽ कऽ हमसब अपनेके एकटा दोसर दिस अपनेके ध्यान लऽ जाय, अखन जे संविधान जारी भेलैया, एहि संविधानमे अपनेके सेहो हस्ताक्षर, ई संविधान पहिनेसँ संविधानसँ ई संविधान कते अग्रगामी छै? अग्रगामी छै, किछु तऽ छै है, लेकिन जहाँ तक कि छै जे सबसँ समझौताके आधारपर जे संविधान बनल छै तऽ ककरो ओहिमे अधिकार यदि बेसी भेटलै तऽ ककरो अधिकारके कटौती सेहो भऽ गेलैए। ताहि दुआरे अग्रगामी खाली लिखलासँ तऽ नहि होइ छै, अग्रगामी व्यवहारसँ होइ छै, जेकि अग्रगामी व्यवहारमे अखन आ व्यवहारमे कार्यान्वयनके प्रक्रियामे जा रहल छै। जेना अखन अहाँके संविधान कार्यान्वयन करऽके लेल पहिले प्रक्रिया अइ जे स्थानीय तहके चुनाव होइ, आ ओ चुनाव यदि सफलतापूर्वक भऽ जायत तऽ अग्रगामी आओर केना केना निकास निकलतै, बहुत बाधा अवरोध तऽ औतै। किया तऽ शुरुआत करऽके लेल किछु बाधा अवरोध तऽ अबै छै, लेकिन तकरा बाद देखल जेतै जे ओहिमे फेर की सुधार कयलासँ या अहीके नीक रूपसँ कार्यान्वयन कऽ सकै छी, तकरा बादे ई पता चलतै जे कते अग्रगामी छै कते की छै। महिलाके बात भऽ रहल छै जे कहै छै महिलाके पक्षमे बेसी अधिकार देल गेल छै, किछु पार्टी कहि रहल छै जे दलित जनजाति आदिवासी आओर मधेसीके बेसी अधिकार देल गेल छै एहि संविधानमे, ताहि एहि दुआरे कहि रहल छै जे अग्रगामी छै। अपने ओकरा नीक जकाँ अध्ययन कयने हेबै, की छै संविधानमे अवस्था की छै? देखियौ, सबसँ की होइ छै जे मानसिकता सोच परिवर्तन होबक चाही, किताबमे लिखलासँ संविधानमे लिखलासँ नहि होइ छै, ताहि दुआरे सोच परिवर्तन होबक चाही। आब जेना अखन देखियौ स्थानीय तहमे 40% देने छै महिलाके, तऽ 40% महिलाके देने छै तऽ ताहिमे ई तऽ नहि लिखल छै जे उपेमे खाली महिला जाय, ओहिमे तऽ ई छै जे मतलब मेनमे प्रथम या द्वितीय दुनूमे कोनोमे एकटा महिला होबक चाही। तऽ समाज यदि परिवर्तित रहितै या समाजके सोच जे यदि ब्रॉड माइंडेड सोचसँ यदि रखितै तऽ कोनो ठाम मेयरमे यदि महिला छै तऽ पुरुष उप मेयर भऽ सकै छलैए, लेकिन जहाँ तक देखबै जे कतबो भाषण करऽमे जतेक सुविधा छै ने लोकके, जते भाषण कऽ सकै छै तते अहाँके व्यवहारमे नहि उतारि सकै छै। ताहि दुआरे अखनो लोकके ई चिन्ता छै जे दऽ तऽ देलकै, आ कोन महिलाके ओहिठाम यदि पुरुष रहितै। हमसब बहुत ठाम नेते सबके मुँहसँ सुनै छियै जे एतेक महत्वाकांक्षी छै लोकसब जाहिमे महिला हमरा सबके खोजि कऽ लाबऽ पड़ैए आ पुरुष जे छै से रोड पर ढहनाइ छै, तऽ ताहि दुआरे बेकार ई भेलै। आब जेना दलित वला बात छै तऽ दलिते वला बात छै, हम एकटा चीज कहब, दलितके एहिठाम हम विरोध नहि कऽ रहल छी, दलितके एकटा वास्तवमे विकास करऽके लेल उत्थान करऽके लेल सबदिन आरक्षण आवश्यकता नहि होइ छै। आरक्षण जे पिछड़ा वर्ग रहै छै, जेना महिला छै अखन पाछू पड़ल छै पुरुषके अपेक्षा, तऽ महिला पाछू छै, तऽ ताहिमे अहाँके महिलाके ओ जगह देल जाय, तहिना दलित पाछू पड़ल छै तऽ दलितके जगह देल जाय। लेकिन अखन जे छै जे हरेक ठाम देखबै वड़ामे, ओ गाँवमे रहै या नगरमे रहै, वड़ामे एकटा महिला छै तऽ एकटा दलित महिला, एहिके मतलब छै दलितके अहाँके जनसंख्या 13% छै जम्मा, तऽ महिलाके तऽ 6% भेलै ने ताहिमे, आ महिला तऽ 50% छै, जाहिमे अहाँ 40% देलियै हँ तऽ 50% महिला अइ, तऽ महिलाके 50 के 100 मानि कऽ चलू, तऽ
तऽ हम महिलाके 50% अहाँ दलित महिलाके देलिए, आब जे छै से पुरुषके सेहो एहिसँ तकलीफ छै, दलित पुरुषके कमतीमे दलितके देलिए सीट तऽ बड़ नीक छै, लेकिन दलितके 50% महिला हुनेगरी दलित हुनु पर छह से देबक चाही, या पिछड़ा वर्ग के दीतिए या मुस्लिम के दीतिए, तेना कोड का कहाँ दीतिए, से नहीं दक दलित के दक। अब एहिठाम बहुत एहन जगह छै जेहिठाम दलित नहीं छै या दलित अब कैपेबल के तऽ बाते नहीं छै, जखने आरक्षण छै तऽ कैपेबल के तऽ कोनो बात नहीं छै, लेकिन एके घर के पहाड़ में एहन एहन केस एलिए जहाँ के एक घर के साउस एकटा पार्टी से आ बुहारी एकटा पार्टी से तहुना एलिए। ताहि दुआरे कनिक बेसी देखावा के लेल बेसी हमरा समाज के की परिस्थिति है, हमरा समाज के संरचना कोन किसिम से है, बनोट कोन किसिम के, ये ध्यान बिना दे। मैडम एना छै ना, धनुषा जिले के अगर बहुत एहन गाम छै जतम बेसी ओहि वाडा में सबसे बेसी ब्राह्मण के संख्या छतै, ओहिठाम दलित नहीं छै, या कोनो जगह यादवे यादव छै वाडा में ओहिठाम दलित नहीं छै, तऽ ओहिठाम अहाँके ओ सीट नील भऽ गेलै, बाबु कतऽ से लायल जेतै, एकटा समस्या छै ने, तऽ ओ तऽ देखल गेल छै। ई समस्या एलै, लेकिन ओहि समस्या लेल जे नहि हम दलित के पक्ष में बजै छी, अग्रगामी हमर सोच अछि, हम मीडिया में एकदम चर्चित होयब तै कहि कऽ अहाँके, ई तऽ संविधान में नहि लिखल छै, ई जे विधेयक जे बनलै है तै विधेयक में ई बात एलै है, आ ओहिठाम सब गोटे बैस के ई बात के निर्णय केलकै है, लेकिन निर्णय कैला के पास कैला के किछुए दिन जखने राष्ट्रपति मोहर लगा देलकै तखने से चर्चा हो गेलै जे दलित महिला तऽ नहि रहती सबटा, ई बात तऽ पहिले सोचक चाही ने, अहाँ आरक्षण दियौ लेकिन ओतबे आरक्षण अहाँ दियौ, अग्रगामी सोच राखू लेकिन एते अग्रगामी राख लेबै, अखन जे हम कहलहुँ हँ जे 50 के 100 मानि कऽ चलू, तऽ 50% अन्य महिला सबके तऽ एहिसँ हानि पहुँचलै है ने। एकटा अखन जे उम्मीदवार सबके जे पहिल चरण में उम्मीदवारी दर्ता भेलैए ओहिमे देखल गेलैए जे किछु राजनीतिक पार्टी जे हमरा मेयर के चुनाव नहीं जीत के हमरा उपमेयर में या तालमेल कर के तो वही ठाम आ के की कहे जे मेयर में महिला के द देला, वही ठाम उपमेयर में जत जीत के ओ तो पुरुष के द देलक, एही हिसाब के भ रहल छै समीकरण, तो कतौ न कतौ पूर्ण रूप से आरक्षित व्यवस्था नहीं भ के फिर वही परंपरागत हिसाब से पुरुष के लायल जाए, देखावटी के लिए महिला एते प्रतिशत उम्मीदवार भेलै लेकिन जीत के तो पुरुषे सबसे बेसी जतै। आब अखने देखियो काठमांडू महानगरपालिका के बात करै छी, एमाले के छै मेयर आ राप्रपा के छै अहाँके उपमेयर, दुनू पुरुष छै, तऽ एकरा पर निर्वाचन आयोग कैला सुतल छै, आचार संहिता लगाबक चाही ने, एकटा महिला तऽ होबक चाही ने, लेकिन ओकरा पार्टी में जे पार्टी महिला के लेल हम एते आरक्षण देलिए, फल्ला समुदाय के लेल एते आरक्षण देलिए, से अहाँके ओहि जगह पर एकटा महिला नहीं लाबि सकै छी कि ओकरा पार्टी में लायक महिला नहीं छै, तऽ ताहि दुआरे देखियौ मानसिकता जे छै ने सोच परिवर्तन होबक चाही, संविधान में लिख दै छै लेकिन सोच में परिवर्तन होबक चाही, ताहि दुआरे सोच परिवर्तन एकदम आवश्यक छै। एहिके लेल करऽ की पड़तै, एहिके देखियौ सबसे की होइ छै जे धीरे धीरे आदमी के एहिना भऽ जाइ छै, पहिले महिला सब जे छलैए से मामला में बहुत पाछा छलैए, घरे में रहै छलैए या पढ़ल लिखल नहि छलैए, चौक चौराहा पर नहि गेल, तऽ ताहि के चलते बुझाइ छलै जे महिला राजनीति नहि करै छै, महिला नहि बुझै छै, लेकिन आब जहाँ तक किछु आदमी में तऽ ई सोच एलैए ने जे महिलो कऽ सकै छै, नीक काज कऽ सकै छै, सेहो बात एलैए, तऽ ताहिमे धीरे धीरे परिवर्तन हेतै, हमसब आशावादी छी जे परिवर्तन हेतै, लेकिन आइ अखन जे चीज भऽ रहल छै से ई ठोकऽ के प्रवृत्ति जे आबि रहल छै। आब देखियौ जहाँ केना होइ छै, मधेसी के एते सीट देने छै तऽ नेता सब एहि फिराक में रहै छै जे ओहिमे यदि कोनो पहाड़ी घुसियाला से मिलतै की, निर्वाचन आयोग नहीं रोकते तो कोनो पहाड़ियों के घुसिया भ जाए मधेसी के सीट पर, जेना है के मधेसी के सीट पर यदि कोनो पहाड़ी यदि मधेसी से विवाह कर पायल छै तो ओकरो मधेसी मान के अखन सांसद बनाएल गेल छै, एहन बहुते छै, बहुते छै, आ बेसी देखबै अहाँ ओही टाइप के बेसी छै, किया तऽ ओकरा लाबा के तरह जे पहाड़ी के लेकिन नाम लेबा के रहै छै मधेसी के, ताहि दुआरे ओ सबसे परफेक्ट रहै छै पार्टी के लिए, तऽ ई जे सब जे छै से बहुत गलत बात छै ने, अहाँ जकरा आरक्षण देलिए तकर उत्थान नहि कऽ रहल छियै, मधेसी से बियाह केला के बाद पहाड़ी मधेसी मानि लो ओकरा हम बुझै छियै, मान ओकरा विरोध नहि करब, लेकिन राजनीति में यदि उत्थान के यदि आरक्षण के बात जहाँ तक करै छियै ओकरा लाभ से हमरा कोनो परहेज नहि है, लेकिन जैठाम आरक्षित सीट छै ताहिठाम अहाँके कोनो जे मधेसी कोनो हिंदू जे रहतै से मुसलमान से बियाह कऽ लेतै तकरा अहाँ मुस्लिम कोटा से लऽ एबै तऽ आन मुसलमान कतऽ जेतै,
लेकिन अखन अखन संविधान में एकटा बहुत बहस भ रहल छै जे यदि कोई अन्य मुलुक सँ महिला विवाह भ कऽ नेपाल में अबै छै ओकरा राज्य के उच्च पद नहीं देल जाए, लेकिन यदि कोनो अन्य भाषी कहल जाए नेपाल नेपाली या अन्य कोनो भाषी वा अन्य समुदाय वो अगर तेसर समुदाय से अगर विवाह करै छै तऽ ओकरा वही वही समुदाय से मान्यता दऽ कऽ यदि राज्य ओहि के मानै छै तऽ ओहू ठाम विभेद छै ने। देखियौ सबसे ई छै ने जे आब वएह तऽ कहलहुँ हँ ने मानसिकता परिवर्तन नहि हेतै, दलित के दलित बुझबे करते, लेकिन दलित यदि सवर्ण से बियाह कऽ लेलकै तऽ ओकरा प्रोत्साहित कयल जेतै तऽ सामाजिक प्रोत्साहन दियौ ने, पैसा के प्रोत्साहन तऽ कोनो बात नहि, जेकर हमसब विरोध कयने रहियै। यदि कोनो दलित से बियाह कोनो कऽ लै छै सवर्ण जाइत तऽ ओकरा एतेक अनुदान देल जाय, ई सब कोनो ठीक बात नहि छै। सामाजिक परिवर्तन होबाक चाही, सामाजिक परिवर्तन जखन बुझते नहि दलितो होइते नहि छै, ब्लड एके रंगी तऽ दलित कथी के, दलित जे दलित हम ओकरा बुझै छियै, ब्राह्मणो मे दलित छै ने, जे गरीब छै जे खाय नहि सकै छै जकरा अपना घर सँ जे चौका बर्तन ब्राह्मण करै छै ओ दलित नहि छै। दलित एकटा समुदाय नहि एकटा वर्ग विशेष बुझियौ, जेना गरीब आ धनिक जे छै तऽ तहिना एकटा वर्ग विशेष बुझियौ। दलितो के देखै छियै एतेक सब चीज सँ सम्पन्न छै, काठमांडू मे देखै छियै कते माननीय जी सब छै दलित, सब चीज सँ सम्पन्न, आ ओहिठाम ब्राह्मण सब जे छै से रोड पर भीख मांगि रहल छै चौका बर्तन कऽ रहल छै तऽ ओकरा अहाँ ब्राह्मण बीच के साइड कऽ देबै आ ओही दलित के उत्थान अहाँ करैत रहबै, ई नहि होबक चाही। अपने के अर्थ ई बुझल जाय जे आर्थिक रूप से विपन्न वा आर्थिक आधार पर आरक्षण के व्यवस्था होबक चाही, जातीय आधार पर नहीं वा ओकर संपन्नता के आधार पर, संपन्नता के आधार पर। दोसर गप अपने संविधान सभा में रहलिए जखन संविधान जारी होइत रहे हरेक राजनीति पार्टी के जे शीर्षस्थ नेता रहे ओ कहलखिन जे संविधान जारी होबय दियौ, सब गोटे के अधिकार भेटत, यदि ए संविधान में कोनो त्रुटि हेतै तब सच्चाइल जेतै, बाद में सच्चाइल जेतै, अखन जारी होबय में अवरोध नहीं करियौ। जारी भेलै किछ गोटे किछ राजनीति पार्टी सब ओहिमे भीतर में नहीं गेला, हुनकर बहिष्कार भेलै, संविधान अहाँके जारी भेलै। लेकिन जखन संविधान संशोधन के बात अबै छै तऽ किछ पार्टी अहाँके विरोध करै छै, ई सोच किया आबि रहल छै, कथनी और करनी में फर्क किया भऽ रहल छै? देखियौ तखनो किछो बात छलै हैत, तखनो ई बात की छलै हैत जे एमाले जे विरोध कऽ रहल छै पार्टी खोलि कऽ कहऽ पड़त, एमाले तऽ एमाले जखन विरोध कऽ रहल छै तऽ तखनो अहाँके विरोध भीतर छलैए हैत, नहि तऽ समस्या की अति समस्या बुझल रहै लोकके। हमसब किछु माननीय सब कांग्रेस के बेसी एमाले के ओहि टाइममे तऽ एमाले सेहो कनिक कनिक तऽ बाजैत कतौ जेकि अखन किछो नहि बाजि रहल छै तू सब, हमरा एकरा कहऽमे कनिको संकोच नहि अइ, लेकिन नेपाली कांग्रेसके हम अपनो जे अहाँके ज्ञापन पत्र लैए कऽ हम हमरा सबके नेता जे सुशील कोइराला स्वर्गीय सुशील कोइराला जे प्रधानमंत्री रहथि हुनका नेतृत्वमे जे सरकार रहै जे संविधान घोषणा करऽवला रहै तऽ हमसब जाके कहने रही, हमसब अहाँके 11-12 आदमी ताहिमे केन्द्रीय सदस्य ओहि टाइमके हम नेपाली कांग्रेसके रही, ताहि दुआरे ज्ञापन पत्र पढ़िओ कऽ हम ई सुनेलहुँ तऽ सुशील कोइराला कहलैत जे हम बुझै छी जे की कमी कमजोरी छै आ एकरा हम संशोधन करब से हम प्रतिबद्धता करै छी, आ ई प्रतिबद्धता अहाँके दोसरो पार्टीके जेना केपी ओली रहथि ओहो कयलथि प्रतिबद्धता ओहिमे जाके कयलथि जे अखन अहाँ सब निकलऽ दियौ एकरा आ तकरा बाद जे त्रुटि हेतै कमी कमजोरी हेतै तऽ ताहिमे हमसब अड़ल रहलहुँ। हमसब अड़ल रहलहुँ दूटा संशोधनमे जेकि अहाँके समावेशी समानुपातिक वाला रहै से आ क्षेत्र के निर्धारण जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या भूगोल के देखैत क्षेत्र के निर्धारण रहै जाहिमे कि हमसब अहाँके मधेसी दल के विरोध में किया तऽ मधेसी दल तखनो विरोध करैत रहै ओकरा ओ संशोधन नहि चाहै छलैया, लेकिन हमसब ओ संशोधन करबा कऽ छोड़बै तहिया एमाले सेहो साथ देलकै आ मधेसी दल के विरोध के बावजूदो हमसब दूटा संशोधन करबेलियै। अखनो जे छै जे संशोधन छै अहाँके हम एकटा चीज कहै छी जे अहाँके की मनसा है, अखन जे छै जे हमसब अहाँके बेर बेर कहै छी अखन तऽ आब चारि गते फेर व्हीप लागत चाही लगबे करत शायद जे ओहिठाम वोटिंग हेतै 17 गते के वोटिंग होबय वला रहै, लेकिन राप्रपा के 12 सांसद स्विच ऑफ कऽ के बैस गेलै, कोन कारण से भेलै ओ अपन छानबीन के विषय छै, तऽ ओहिठाम ओ स्विच ऑफ कऽ के भऽ गेलै, ओहिठाम ओ पास नहि होइतै, पास नहि होइतै ताहि दुआरे सूचना टाइस के स्थगित भऽ गेलै जे पास भइए नहि सकै छै। आब जे छै आन आन पार्टी सब सेहो एलै
अहाँ के एग्रेसिव भक कर के नहीं छे ना, हम एक टा चीज कहे छे अहाँ के लेब के कोनो चीज पाब के ये तो मिल के चलू ना। कांग्रेस के हम सब ओ टाइम में जे संविधान संशोधन भेले, हम तो एक टा चीज वीरेंद्र जी एकदम स्पष्ट कह, यदि संविधान सभा में मधेशवादी दल सब यदि रहते तो इतने जल्दी संविधान नहीं घोषणा हो सकते, किया तो हरेक में अहाँ के हरेक में विरोध जैते, हरेक में पास कराब पड़ते। मतलब मधेशी दल संविधान सभा के छोड़ कर जनाए त्रुटिपूर्ण रहे, मधेशी दल संविधान सभा के छोड़ कर जनाए त्रुटिपूर्ण बात रहे। वही ठाम रह कहाँ विरोध करू ने, अखन अहाँ सदन में बैस कहाँ विरोध कर रहल छी कि नहीं कर रहल छी, समाज में तो ई बात जा रहल है ना जे ई विरोध छी। अहाँ छोड़ के भाग गेलिए, नेपाल छोड़ के भाग गेलिए अहाँ कतौ, अहाँ नेपाल में छी, अहाँ संसद सदस्य छी, अहाँ संविधान सभा के सदस्य छी, अहाँ हस्ताक्षर नहीं करतु, अहाँ के मान्य नहीं रहता नहीं करतु, अहाँ विरोध करतिए, अहाँ के दू चारि टा माननीय सबके जेठाम बात नहीं मिलते, अहाँ के ई बुझाइए हम सब हस्ताक्षर के लिए, लेकिन मधेश के जे एजेंडा हमरा सबके नहीं मिलित रहे ते में हम सब हाथों तक नहीं उठेलिए ना, ते में हाथ नहीं उठाव वाला अहाँ सबके संगे हमू सब रहते ना, लेकिन अहाँ छोड़ के भाग गेलिए, अहाँ दोसरो आदमी फिरता आओ, फिरता आबि के हम करितो की, जखन अहाँ लौट के गेले छी, लौट के अहाँ जतेक छी सब भत्ता सुविधा अहाँ लेनी ही छी, तो अहाँ ककरा पति एलिए, ककरा देखेलिए, अहाँ अपना आप के चिन्हू, मधेशी जनता के कैल, मधेशी जनता हम नहीं छी, हम कांग्रेसी छी तो हम मधेशी नहीं छी, हमरा अधिकार नहीं चाहिए, मधेशी दल के खाली चाहिए, तै लेल त्रुटिपूर्ण रहे, आई हम एकदम चौड़ा बजा के कह सकै छी जे त्रुटिपूर्ण रहे। अहाँ के पांच दिन छह दिन में जे संविधान संशोधन मतलब पास भेले, से मधेशी दल यदि हरेक एजेंडा पर धारा उपधारा पर यदि ओहिठाम संशोधन प्रस्ताव देने रहते तो अहाँ के महीनों लागि जैते, आ महीनों जखने लागि जैते तखने बहुत किछ निर्णय भ जैते, लेकिन उस छोड़ के सब भाग गेले। एक बात कहल जाए तो अपन भीतर मन से हमरा कहब, जखन संविधान में हस्ताक्षर करित रहिए, मधेश जरैत रहे, मधेश के घर में अहाँके एकटा कन्ना रोहट के अवस्था रहे, अपने के केहन मनभूति भेल, खुशी लागल संविधान जारी करैत? हम अहाँके संसद में बाजल छी, जे हमरा घर में अहाँ कतबो हम हस्ताक्षर केने छी तथापि हमरा घर में मतलब अथी रहे, बत्ती गुल रहे ओहि दिन, हम सब शोक मनेने छी, हस्ताक्षर हम सब केने छी लेकिन हम सब शोक मनेने छी, हम सब आगा जे छै से संविधान संशोधन हैत से आशा रख के ओहिमे हस्ताक्षर केने छी, हमरा सबके 90% कहै छी, हम सब ओहि प्रतिशत में नहीं पड़े छी, हम सब चाहे पार्टी में रहो, दल में रहो या संविधान सभा के रोस्टम से रहो, हम सब बाजल छी ई बात। आ ई मधेश के जतेक नेता सब संसद में छथि ओहो सब बुझै छथि जे के मधेश के फेवर में बजले से सब सब बुझै छथिन। मधेश के सांसद यदि कांग्रेस के सांसद छै या एमाले के सांसद छै मधेश में, एकटा बाहर की आबि रहल छै मैसेज जे ये सब ई गोटे सब जे सांसद सब छथिन ओ सब मधेश के पक्ष में वकालत नहीं कर दै छथिन, जै के कारण से मधेश आ के अखन धरि समस्या समाधान नहीं भ रहल छै, राजनीतिक एकटा चक्रव्यूह में फसल छै। अखन एकटा चीज बुझियौ अहाँ, यदि मधेश के हम दोसर पार्टी के बात नहीं करब, कांग्रेस के यदि मधेश के सांसद नहीं आगू बढ़ते तो बैसाख एक तीसे गते चुनाव होते, बैसाख एक तीसे गते मधेश में गोलियों चल के चुनाव होते, चाहे वो सफल होते या नहीं होते, लेकिन हम सब दू नंबर प्रदेश के जतेक माननीय रहे से हम सब कहली जे नहीं, जाबत संशोधन नहीं हेता तो हम सब चुनाव में नहीं जाए, तो हम सब फेवर केना निकल जी। एक कनिक काल हम सब विश्राम के दिस जाए छी, विश्राम के बाद फिर एहि पर विषय पर चर्चा करब। मीनाक्षी जी हमरा सबके अतिथि छथि, हुनका सबसे फिर छलफल करैत रहब, कनिक देर व्यावसायिक विश्राम दिस, ब्रेक के बाद फिर अपने सबके स्वागत। आजुक चुनावी परिचर्चा कार्यक्रम में हम सब छलफल कर रहल छी नेपाली कांग्रेस सांसद मीनाक्षी झा सर। मीनाक्षी जी एकटा बात, अखन 74 मार्च 4 गते तक तीनटा निर्वाचन कराबे छै ई सरकार बा ई संविधान के तहत, संभव छै? अब नेता जनते हमरा तो संभव नहीं बुझाय, तीनटा तो तीनटा कराबे के बात छै, भ सके तेहन कोनो बात हेतै तऽ संसद के सेहो भ सकै छै, ताहि के लेल चर्चा भ रहल छै,
जे संसद के कार्तिक में चुनाव कराबी, लेकिन प्रदेश जखन बनले नहीं छे, प्रदेश पर विवादे छे, तो प्रदेश के चुनाव हेतु से तो संभव नहीं बुझा रहल तै लेल हमरा तो संभवे बुझाए, लेकिन कराबे तो पड़ते। संविधान संविधान जना आई से पहिने म्याद थप के व्यवस्था छलै, एहिमे संविधान में हमरा जनतबे म्यादो नहीं थपल जा सके संसद के, एते गते तक कराबी पड़ते। अब नेता सब के अपन हिसाब से कखनो चेंज कर सकिए धारा चेंज हो। सबसे की होय छे जे थपा नहीं थपा वाला बात की छे, जे एकटा संविधान में कते नंबर धारा है हमरा याद नहीं है, लेकिन कतौ एकठम लिखल जरूर छे जे ई संसद ओतबे दिन तक रहते जाबत तक चुनाव नहीं, दोसर दोसर मतलब नॉमिनेशन नहीं हेतै, नॉमिनेशन यदि भऽ जेतै तकरा बाद से ई संसद जे जे धारा में लिखल से आ के 74 मार्च 4 गते तक संविधान कराबे के छे, ओई के नीचा में लिखल से ई बात जे ई संसद ताधर क्रियाशील रहते जाधर दोसर सब उम्मीदवारी दर्ता नहीं हेतै, एक मतलब बढ़ते मतलब अर्थ तो वे भ रहल छे ना अइठा। त की होय छे नेता सब अपन सोच, हम सब तैयार ई बात नहीं सोचलिए, लेकिन आब अखन ई बुझा रहलिए जे नेता सब के यो सोचे थे, अहाँ जे कहलिए जे उ तो लिखल नहीं छे, तै दुआरे उ तब ओकर संविधान में की लिखा जो ओकर की विश्लेषण है से तो बाद में करते ने समय परिस्थिति अनुसार, लेकिन अखन तक कार्तिक में संसद के होई चुनाव तै में सब लागल छे, किया तो होते रहते तो बढ़िया रहते न, प्रक्रिया आगू बढ़ते रहते तो बढ़िया रहते, आ नहीं तो एक साल बढ़ेलो में कोनो हर्ज नहीं छे। यदि एक साल बढ़ाबे के अइ लेल हम कहै छी जे प्रदेश सेहो बनक चाही ना, यदि दूसरे संसद बन के यदि प्रदेश बने में सहूलियत हेतै तो ओहो करे में हर्ज नहीं छे, तै दुआरे अहाँ ई नहीं बुझियो। अब रही जती तो बहुत राष्ट्र त्रुटि भ जाय जखने ई अगर पहिल संसद के चुनाव होय छे, राष्ट्रपति के चुनाव हेतै ओहि में अहाँ के प्रदेश के वा गाविस के अध्यक्ष के मताधिकार करे के अधिकार छै, ई सब वंचित भ जेतै जखन एकटा भद्रगोलता के अवस्था हेतै ना, किए तऽ शेड्यूल से बाहर जखने गेला के बाद भद्रगोलता देखाई देतै। एकटा चीज कहै छी वीरेंद्र जी, अखन जे संशोधन प्रस्ताव छै तै में मधेसी दल सब एकटा और प्रस्ताव रखने छै जे कि ओहिमे संशोधन में राखल छै जे कि अब जेना गावी सब प्रमुख नगर प्रमुख सब के जे छलै ने राज्यसभा में वोटिंग राइट, ओ वोटिंग राइट भेट रहल छै, तै दुआरे कोनो शायद दिक्कत नहीं हेतै कि, लेकिन प्रदेश के तऽ फेर वोट चाही ने ओहिमे, तऽ तै लेल पूर्णता नहीं भऽ सकै छै ने, जाबत अहाँ के प्रदेश के चुनाव नहीं हेतै ताबत केंद्र के संघीय के चुनाव जे छै तै में पूर्णता नहीं हेतै, किया तऽ दूटा सदन छै। हमरा ई कहल जाय जे यदि अखन के संरचना जे छै गाविस के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के राष्ट्रपति में अधिकार छै, यदि यह संरचना के आधार पर वोटिंग होइ छै अखन स्थानीय निकाय के जे संरचना छै तै आधार तब तऽ मधेसी नीले भऽ जेतै, तखन वएह बात छै वही दुआरे ओकरा हटाबै के बात भऽ रहल छै जे ओ जे छै से अधिकार किया तऽ जनसंख्या के आधार पर दियो कि तऽ जनसंख्या के आधार पर देबै तखने न्याय भऽ सकै छै ने, आ जनसंख्या के आधार पर नहि देबै कतौ अहाँ 5,000 में नगरपालिका बना दै छियै आ कतौ अहाँ के 1,00,000 से ऊपर टिप जाइए, तऽ तै जगह पर जनसंख्या के आधार भौगोलिक भूगोल के आधार लियो, लेकिन जनसंख्यो मस्ट छै ने, जनसंख्या आदमी रहते जमीन के खाली देखला से तऽ नहि होइ छै, तखन ओकरा सबके जे विकट छै बहुत किछु छै तऽ तै हिसाब से लियो, लेकिन जनसंख्या के सेहो मायने छै। विकटता के आधार पर अखन के जे संरचना छै ने पहाड़ के, अगर एकटा वाडा में एक दिन में संभव नहि छै, बहुत जगह वार्ड छै, और गांव पालिका बनाल गेल छै 5-10 गांव के जोड़ के 2 गांव के जोड़ के, असंभव तो छै, फिर केंद्रीकृत शासने जगह बुझा रहल छै, केंद्रीकृत शासने प्रणाली जगह घूर फिर के जे आबि रहल छै ओकरे निरंतरता बुझा रहल छै। देखियो बुझा रहल छै बात, बुझा तऽ रहि रहले छै, केंद्र वाला अपन अधिकार तो छोड़ी के पक्ष में नहीं छै, जना कि अब मधेसी दल सबके ई छलै जे पहले स्थानीय तह जे छै तकर जिम्मेवारी प्रदेश के होबक चाहिए, वास्तव में सहीयो छलै ये बात, प्रदेश अहाँ बनेलिए प्रदेश के कोनो जिम्मेवारी नहीं छै, अलग अलग सबसे सब कॉन्टैक्ट होबक चाहिए ना, मतलब केंद्र के साफे लोग हटा दे वाला कहै छै से वाला बात तो नहीं छै, ई के त विकेंद्रीकृत राजनीति वाला बात छलै ना, जे विकेंद्रीकृत करियौ जे सबके अधिकार भेटै, संघीयता संघीयता वास्तव में मधेसी के उपज छै, मधेसी के संघीयता चाहिए और के नहीं चाहिए संघीयता, एहिठाम
जनसंख्या 50% अधिकार के छे, तो तई के कारण संघीयता छे जे हमर राजधानी हैत, हमर सब किछ हैत, तो हम अपना हिसाब से चलब नहीं, या सबके अधिकार भेटते, तै लेल ने संघीयता चाहिए। आब जे छे से अहाँ के सबटा जे कानून बनाबे के अधिकार सिंह दरबार अहाँ केना दऽ रहल छिए, सिंह दरबार में पहुंचे के तो पहले अधिकार दो। एकटा एकटा जना जे रूप से अहाँ के अधिकार देल जाए छै दऽ रहल छै, अगर विकेंद्रीकरण करै छै, कानून बनाबे के, न्याय संपादन करे के, ई सब अधिकार देल जा रहल छै। आब एकटा आशंका की देखाई दे रहल छै जे मधेश में बेसी से बेसी एकटा द्वंद्व के अवस्था आबि रहल छै, किएकि आब हमरा अहाँ से कनिक विवादे कोन मुद्दा धऽ देब तंग करब, जखन अदालते में जब एते मुद्दा ठीक रहल छै तऽ गाँव पालिका में हेतै, ई और एकटा द्वंद्व के अवस्था सृजना हेतै, ई मुलुक एकटा निकास दिस जेतै कि एकटा द्वंद्व दिस जेतै गाँव के अधिकार के कारण से। देखियो हम जतेक हमरा अपना अनुभव में, हम अपन अनुभव के बात करै छी, तऽ वास्तव में से भेलै यहाँ के पहाड़ों में भेलै, पहिलहुँ अहाँ के मधेश में अपन जाति तो लोग के सब के रहै छलिए ने, लेकिन जातीय संगठन कतौ नहि रहै छलै, किएक तऽ समाज में रहै छलिए तऽ सब जाइत अपने छलिए, आब ओना तऽ वर्ग समुदाय छै ओ तऽ सब दिन से विभाजन छै, तऽ ओहि हिसाब से विभाजन, लेकिन सौहार्दपूर्ण वातावरण के विभाजन छलिए, जे ओ दोसर जाइ छै ओ कोन जाइ छै ओ कोन जाइ छै, लेकिन आब जे छै से अपन जाति के चाहे गलतो व्यक्ति रहै तकरा लोग प्रोत्साहन देते, आ दोसर जाति के सक्षम व्यक्ति छै ओकर कतौ आत्मा ई कहैत रहतै जे सक्षम व्यक्ति ओ छै, लेकिन ओकरा समर्थन नहीं कह कर, दिमाग से सोच कर, दिल से नहीं सोच कर, की कहे जी दिमाग से नहीं सोच कर, दिल से सोच कर जो हमर जाति ओकरा ई चीज में लाभक चाहिए, ई जे छे से देश के एकदम खराब, कतत अहाँ के राज्य ई कह रहल छी जे दोसर जाति से बियाह करै छी तकरा अहाँ के प्रोत्साहन देबे, कतत जे छै से जातीय संगठन बना रहल छी, ई सब जे छै से बहुत गलत छै, बहुत गलत, एहि से समाज में तै में मधेश में, मधेश में कनिक ई बात के और बेसी हेतै, किया तब हम तो ई कहब हम अही समुदाय के आदमी छी, अही समुदाय से बचपन से लक अखन तक बीतल या अंतो बीतत, तो तै में हमरा सब के सोच में तुरते कोनो बात के निगेटिव के हम सब जल्दी कैच करी छी, ओहि व्यक्ति में कते पॉजिटिव छै से नै सोच कर निगेटिव कते छै तै पर बेसी हम सब ध्यान दै छी। अब समग्र हिसाब से मधेश में हो गया पहाड़ में जातीय राजनीति बेसी फैलते किछु दिन फैलते, तकरा बाद आदमी में चेतना चलि अते, ई सब जे छै से एक तरह से बुझियौ ई प्रैक्टिसे भ रहल छै जे जातीय राजनीति सब दिन नै रहते, थाई नै हते, किया तब जे जाइत रहते तो ओहि जाइत के आदमी ओकरा विरोध में नहीं लड़ते, तै दुआरे ई बहुत दिन तक नहीं चलते, लेकिन किछु दिन जना तरल अवस्था में नहीं कहै छै तेना मधेश में किछु दिन ई बात तरल अवस्था, ओहि से विकास अवरुद्ध हेतै, विकास अवरुद्ध विकास अवरुद्ध हेतै, तकरा फर्स्ट अपे तकरा बादे अहाँ के लोक में चेतना होते जे हम गलत कर रहल छी, जातीयता किछो नहीं होइ छै, समाज में छै, परिवेश में कोन परिवेश में छी, ककर सहयोग से हमरा जिंदगी धाना के ये चलाब के ये से लोग सोचते, बाद में जाके ई में सुधार होते। अगर चुनाव के गप कर जाए अपने कहली जे प्रदेश के अधिकार होबक चाही चुनाव कराबे के स्थानीय निकाय के, लेकिन आम जनता कह रहल छै जे आब बहुत भेलै क्रांति, बढ़ गए आंदोलन, आब कम से कम विकास के बाटो दिस जाए जाए मुलुक के लो जाए जाए, यदि विकास के दिस तो के लिए चुनाव चाहिए। देखिए चुनाव एकदम ही चाहिए, चुनाव अई बेर के चुनाव हो भी चाहिए, हम ये बात नहीं कह रहल छी जे प्रदेश बनते तखन स्थानीय चुनाव होबे चाहिए, चुनाव तो एतेक अपरिहार्य छै जे अई के सिवा तो कोनो बाते नहीं छै, हम तो केंद्र के चुनाव आब अही पत्रकार छी कहबे जे अहाँ सांसद छी तऽ अहाँके तो मन होइए 10 वर्ष हम ओतै लटकल रही कहि सकै छी अहाँ हमरा, लेकिन एहिठाम के चुनाव जे छै विकास अवरुद्ध छै, विकास अवरुद्ध एहि दुआरे छै जे एहि समाज के व्यक्ति छै तकरा नहि बुझाइ छै जे हमर एहि समाज में कोन चीज के विकास होबक चाही, ओकरा नहि ज्ञान होबक चाही, लेकिन एहिठाम से नहि छै, अखन अहाँके पैसा आबै छै नहि पैसा आबै छै से वाला बात नहि छै, लेकिन सब आदमी कतौ कोन हिसाब से हेतै हमरा चाही, अहाँ ककरो पूछियो तऽ कोन अपन अपन इलाका अपन जगह अपन घर ओहिठाम विकास होबक चाहिए। ओ तो अहाँ के सांसद सब सेहो कह रहल छै ने, देखबै ने अखने जे अहाँ के धमसा के क्षेत्र नंबर 4 के निर्वाचन क्षेत्र वाला पैसा के बात चलै ओहो में तेहने अवस्था देखल गेल छै कि कोई कहै छै हमर योजना रहक चाही कोई हमरा रहक चाही, एहि के अवस्था के एकटा अवस्था छै। देखियौ की होइ छै सबठाम चैनल होइ छै ने,
सांसद के नीचो क्यों रहे छे, स्थानीय लोग रहे छे, तो चैनल हुई छे ना, चैनल में क्यों आदमी सिर्फ अपना जेकरा से बात करते, क्यों कहते जे हमरा नहीं पूछ रहा लिए जे योजना कत देवे या नहीं देवे, तो वही आदमी के जे आदमी कहे छे तो वो आदमी सो आदमी राजनीति से जुड़ल छे ना, ओकरो कोनो जगह पर लड़ा पड़ते, ककरो नेता ओहो छे ना, वो दोसर के बारे में सोचे छे, वही व्यक्ति के तो समग्र क्षेत्र के देखे छे, तेरा क्षेत्र के सोचक चाहिए, जिला के देखे छे, तेरा जिला भर के सोचक चाहिए, कौन आवश्यक आवश्यकता छे अखने अहाँ के जिला विकास में कत आवश्यकता छे नहीं, स्थानीय स्वायत्त शासन एहन जे रहे लागू भेल तैमे तो इएह रहे जे वार्ड से अब सिफारिश भऽ कऽ गावी से सिफारिश भऽ कऽ अबो, तकरा बाद जिला परिषद हो, सब परिषद कऽ कऽ अबो, मतलब खुला रूप से अबो, लेकिन से होइ छे जकरा जकरा जतऽ जतऽ योजना देबऽ के ओ योजना लिखा हुआ पास करू, तऽ अहाँ के योजना रहत तऽ हमरा लोग नहीं चाहे, हमरो तो डायरेक्टे किछु आदमी कह अबै तऽ नहि, अहाँ के योजना अहाँ कहबै तऽ अहाँ कहबै जे हमरा चाहिए योजना नहीं ना छै, जे संसद के सांसद सब के जे अपन एकटा योजना देल जाय छै ओ तो ठीक छै, लेकिन एकटा निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रम होइ छै समग्र निर्वाचन के 1.5 करोड़ रुपया के ओकर 3 करोड़ के अखन आबि रहल छै, तऽ ओहू में ओ तो क्षेत्र भर के काज हेतै, ओहि में सांसद सब के एकटा झगड़ा किया होइ छै। देखियो सांसद के 4 नंबर के जहाँ तक बात हम कहब, दोसर क्षेत्र के हम नहीं कह सकब, ई बात किया होइ छै, 4 नंबर में कहियो झगड़ा नहीं होइ छै, 4 नंबर में अखन आगे आमरण अनशन भेलै ई योजना के लक मीडिया में अले आंतरिक किचलो सब सांसद सब के सलक सब चीज के अले, त छरपष्ट भ गेलै ना आगे सांसद सब के ई अपन व्यक्तिगत स्वार्थ से ई क्षेत्र के विकास से बेसी अपन व्यक्तिगत स्वार्थ जुड़ल छै। देखियो देखियो एकर उद्देश्य की हो बच्चा, एहिठाम गलती कत कत भेल छै जे एहिठाम जे जखन करोड़ के बात रहे, 1 करोड़ दिल के, फिर 1.5 करोड़ दिल के दोसर साल, फिर एमाले के सरकार रहे तो 3 करोड़ बनले, तो तई में अहाँ के समानुपातिक सांसद आ प्रत्यक्ष सांसद सब मिलकर सबक हस्ताक्षर से ई पास भेल छे, तो सबक हस्ताक्षर से पास भेल छे, तो ऐसे पहले सुशील कुमारा के जे सरकार रहे तही टाइम में से ई भेले जे कतौ ने कतौ ई बात लीक भेले जे प्रत्यक्ष सांसद छे तकरे प्रत्यक्ष जनता से सरोकार छे, लेकिन जे राजनीति करै छे तऽ से समानुपातिक जे छे सेहो, आ जे समानुपातिक नहि छे जे सांसद नहि छे तकरो तऽ काल्हि खनि हक दाबी पहुँच सकै छै जे ओहिठाम टिकट लऽ कऽ आबि कऽ चुनाव अहाँके लड़तै नहि, आब जे प्रत्यक्ष सांसद छै से परमानेंट पुस्ता दर पुस्ता रहतै से वाला बात तऽ नहि छै, ताहि दुआरे यदि विकास के योजना अयलै उद्देश्य वएह रहै जे 3 करोड़ जाइ छै चाहे 1 करोड़ जहिया गेलै तऽ उद्देश्य रहै जे सब सांसद सब बैस कऽ आ प्रत्यक्ष वाला एकटा रहै छै प्रत्यक्ष जीतल रहै छै तऽ तकरे संयोजक तऽ ककरो बनाबक चाही, तऽ ताहि दुआरे ओकरा संयोजक बना कऽ आ सब गोटे जे छै क्षेत्र विकास मे लगाबक चाही जे ओहि क्षेत्र मे की जरूरी छै, तऽ ओहि क्षेत्र मे तऽ 1 करोड़ एलै तऽ 1 करोड़ के एकटा योजना भऽ सकै छलै ने, तऽ ओ योजना अहाँके से ओहि हिसाब से चलाउ, एहिठाम प्रत्यक्ष सांसद जखने पास भऽ गेलै तऽ प्रत्यक्ष सांसद कहलकै जे ओ तऽ प्रत्यक्ष जनता से सरोकार हमरा सबके अइ, समानुपातिक के कोन छै, समानुपातिको एकटा निर्वाचन प्रणाली छै ने, अहाँके नेता सब जे बाजत तऽ एतेक अथी से कहत प्रत्यक्ष माननीय जी जखन सम्मान करके ओ बाजत जखन बाजे के क्रम में तऽ प्रत्यक्ष को माननीय जी आ समानुपातिक माननीय जी, प्रत्यक्ष के ओ टिकट लऽ कऽ आयल छै ओहो तऽ टिकट लेने छै अहाँके, ओ अहाँके 5,000 में जीत के आयल छै प्रत्यक्ष माननीय छै आ ओ तऽ 25,000 में जीत के आयल छै ने, पार्टी ओकर मूल्यांकन चाहे ओ व्यक्ति केहन छै से हमरा मतलब नहि, पार्टी के नजर में तो ओकर मूल्यांकन छै ने, इहे कहि रहल छलियै संसदीय विकास कोष पर हमसब बात करै छलियै, एहि पर किछलो किया देखै छी की तऽ कमीशन के खेल होइ छै, माननीय जी सब कमीशन खाइ छै, एहिठाम एहिठाम हम वएह बात अहाँके कहि रहल छलहुँ हँ जे ओहिठाम भेलै जे सब माननीय छलफल कऽ कऽ आ क्षेत्र विकास मे ओकर क्राइटेरिया तोकि देने रहै जे जे मंत्रालय से आवे तैमे नहीं देब के फलना के नहीं देब के से सब रहे, लेकिन ओकरा कतौ नहीं मान के प्रत्यक्ष माननीय कहल के जो सब पैसा हमारे बुझलिए, लेकिन 4 नंबर में अला विवाद नहीं रहे जे 4 नंबर के माननीय जी तो नहीं छथिन बाहर निलंबन में पड़ल छथिन, तो तै दुआरे की रहे जे ज्येष्ठता के आधार पर पहले निकल जे ज्येष्ठता के आधार पर जेठम नहीं छे प्रत्यक्ष तैठम तो लीला कोइराला जी के हम सब बनेलिए, तकरा बादो कोनो विवाद नहि भेलै सबके सहमतिये से जतऽ जतऽ बनलै सबके सहमतिये से भेलै, लेकिन एहिठाम की भऽ गेलै 4 नंबर में
जे अहाँके जखन बनऽ लगलै तऽ सब माननीय कहलकै जे अपन प्रस्ताव लायल रहै तऽ ओ कहलकै जे मेरो योजना हमर योजना ओसब सबके योजना रहै ने। पहिला सालमे अहाँके सोलार जड़ान भेलै गंगा सागरके ओरिपरि, कतेक काज कऽ रहल छै नहि कऽ रहल छै हमसब बुझबो नहि करै छियै, तऽ से भेलै सबके विचारेसँ भेलै। छात्रावास भेलै सबके विचारेसँ भेलै, अहाँके ओहिठाम जे टॉयलेट बनलै से सबके विचारेसँ भेलै। लेकिन जे माननीय जी सब बाजल रहथिन जे ई चीज बनाउ ओ चीजमे हमसब ओके केलियै, तऽ ओ माननीय जी कहलखिन जे हमर योजना। तऽ अहाँके योजना केना भेल, क्षेत्र विकासके योजना भेलै ने। योजना अहाँके एहन अहाँ सब बनबै छियै, धनुषे क्षेत्र नम्बरके बात करी ना, एहन योजना बनबै छियै संग्रहालय बनायब, जमीन अछिए नहि, खाली पैसा आनि कऽ आओर प्रक्रियामे जाइ नहि छियै, दू महीना तीन महीना बाकी रहैए, पाइ अबैए पाइ फ्रीज भऽ जाइ छै, कतौ ने कतौ अहाँसब जनताके विकासक खेलवाड़ करै छी। ई बात सही छै, किएक तऽ दू एक बरस चललै आरामसँ, दोसर बेरमे से आरामसँ नहि चललै। ओ मीटिङ्गमे हम उपस्थित नहि रही, हम कहली जे अहाँसब करू, ताहिमे सहमति रह, हम केन्द्रीय सदस्य रही ओहि टाइममे, हम चलि गेल रही, ताहि दुआरे दोसर बेरमे मीटिङ्ग रहै। अहियो बेर तेसर बेरमे जे ठीके छै आब योजना सब लाउ, मतलब ओहिठाम योजनाके कोनो बाँटफाँट नहि रहै, आब हमसब पाँचटा माननीय रही तऽ ठीक छै साठि साठि लाखके योजना अहाँ सब कहियौ, आ योजना मतलब योजना देबऽके बात रहै, पैसा देबऽके बात नहि। मान्य जी एकटा बात ई छै जे उद्योग वाणिज्य संघके अपनेसँ पाइ देली वा कोनो संस्थाके पाइ दै छियै, पूरा अवैध छै, राज्यके निर्देशिका कहि रहल छै, कोनो संघ संस्थाके, कोनो राजनीतिक पार्टीके कार्यकर्ताके, कोनो राजनीतिक संघ संस्थाके पाइ नहि देवला, तथापि पाइ बटै छी अपनेसँ, पूरा निर्देशिका मतलब सांसद भेनाइ एहन कानून निर्देशिकाके सबके बीच देनाइ। देखियौ सबसे मेन बात की होइ छै जे भऽ सकैए हमरा सबसँ त्रुटि भेलै, ई बात मानि लेब, लेकिन त्रुटि भेलै तऽ ई बात हमरा सबके जानकारीमे तऽ नहि रहै जे देबऽ सकै छी कि नहि देबऽ सकै छियै। तऽ जे निर्देशिका लऽ कऽ बैसल जे रहै, ओना निर्देशिका हमरो सबके भेटल रहै, ई बात झूठ नहि कहब, लेकिन ओहिठाम जे प्रमुख व्यक्ति जे भेलखिन LDO जकरा नेतृत्वमे सबटा चीज भेलै, संयोजक केओ रहो, तऽ हुनका कहऽके चाही जे एतय एतय नहि दियौ, आ या बादोमे ई बातके पता लागि गेलै तऽ तुरंत ई बातके फॉलोअप करऽके चाही। लेकिन ई बातके बहुत बड़का इशू बनि गेलै, बहुत बड़का इशू की बनलै, मंत्रालय सेहो इशू बना देलकै, हमसब बैठक कऽ कऽ सबटा बाँटफाँट भऽ गेल रहै, मतलब योजना कतऽ कतऽ वेबसाइट सबमे चलि गेलै। तकरा बाद की केलकै जे ई तीनटा मतलब माओवादीके मंत्री रहथिन ओहिमे, तऽ बाबूराम भट्टराय जे रहै से ओतऽ छोड़ि देने रहै अहाँके गोरखामे, मतलब संसदसँ निकलि गेल रहै, ताहि दुआरे बाबू माओवादीके चाही, माओवादीके कोटासँ गेल रहै ने बाबूराम भट्टराय, तऽ माओवादीमे रहै, तऽ बाबूराम भट्टराय छोड़लाके कारण माओवादीके संयोजक बनक चाही गोरखामे, तऽ ताहि दुआरे की केलकै बाँकीमे सुशील कोइराला नहि छै तऽ कांग्रेसके बनक चाही, तऽ एतऽ संजय शाहजी नहि छथि तऽ माधवी राणीके बनक चाही, तेना कऽ कऽ लास्ट आवरमे जे कि तीस गते अहाँके तीस गतेके महीना रहै, आ ओही दिन अहाँके अगहन तीस गतेमे ओहि दिन खत्म होवऽ वला रहै, आ ताहि जगह पर अहाँके से 28 गते ओ फैक्स कऽ कऽ चिट्ठी पठेलखिन जेकि हमसब काठमाण्डूमे रही, संसद चलैत रहै, हमसब बैठक नहि कऽ सकलियै, आ ताहिठाम माधवी रानीजीके ओहिठाम आनि कऽ माधवी रानीजी ओहिके कहलखिन जे नहि हमरा सबके मतलब हमरा संयोजक बना कऽ करू, से बात भेलै। बादमे ई बातके माने हमसब मानलियै आ मानलियै, तकरा बाद फेर व्यवस्थापिका संसदके अखनके मीटिंग स्थगित छै, हमसब एकदम अंतिम अवस्थामे छी, जेठ 4 गतेके दिन, जेठ 4 गतेके बाद भऽ रहल छै सरकार परिवर्तनके सङ्गे संविधान संशोधन कयल जाय, सम्भव छै? सम्भव छै, हेतै जी। धन्यवाद, आजुक कार्यक्रममे हमर सबके अतिथि छलथि मीनाक्षी झाजी, नेपाली कांग्रेस सांसद, पूर्व केन्द्रीय सदस्य। अपने सबके ई कार्यक्रम केहन लागल प्रतिक्रिया हमरा सबके जरूर पठायब। दोसर दिन फेर हमसब दोसर अतिथिक संग एहि तरहे चुनावी परिचर्चा कार्यक्रम करब, ता धरिके लेल हमरा सबके विदा दिअ, व्यस्त नमस्कार।